हमने शुरू कर दिया है के स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 ईमेल एंड ई गवर्नेंस, ईमेल एंड ई गवर्नेंस से संबंधित हम आपको आपके सामने 100 प्रश्न आज हम जो है डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेयर आर द सिग्नेचर एडेड टू द ईमेल, यानी ईमेल में सिग्नेचर कहाँ ऐड की जाते, कहाँ ऐड की जाते हैं, डाउन में, कहाँ पे, डाउन में। अगला प्रश्न है कैन अ वायरस बी डाउनलोडेड विद एन ईमेल अटैचमेंट, तो बिल्कुल सही है। हम क्या होता है, ईमेल जब डाउनलोड करते हैं, जब ईमेल अटैचमेंट होता है तो उसके साथ में वायरस भी क्या हो जाता है, डाउनलोड हो सकता है। कैन वी सेंड वीडियो फाइल्स वायर ईमेल बट नॉट ऑडियो फाइल, बिल्कुल फॉल्स हो जाता है। हम ईमेल के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो दोनों फाइल्स को हम सेंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कैन टू फ्रेंड्स हैव द सेम ईमेल एड्रेस, नो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेवर ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी दो मित्रों का एक समान ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नेवर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईमेल रिसीव इज स्टोर्ड इन इनबॉक्स, बिल्कुल सही। जो ईमेल जो रिसीव होता है वो आपका कहाँ पे स्टोर्ड होता है, आपका इनबॉक्स में आपका स्टोर्ड होता है। देखिएगा मैं एक ईमेल का जो है ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं ईमेल भी एक चैट एक विंडोज में ओपन किए ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा जितना भी ईमेल अभी देखेंगे आप, यहाँ पे ए टू जेड ईमेल कहाँ पे स्टोर होता है, ये रहा, ये इनबॉक्स है, ये क्या है आपका इनबॉक्स है, ये आपका क्या है इनबॉक्स है। इस इनबॉक्स में जो है ये सारा का सारा मेल क्या रहता है आपका स्टोर रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा ईमेल स्टोर रिसीव दिन रिसीव स्टोर्ड इन इनबॉक्स, बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे हाउ लॉन्ग कैन अ वीडियो बी रिकॉर्डेड ऑन इंस्टाग्राम, जब भी इंस्टाग्राम की जब बात आएगी तो इंस्टाग्राम पे हम 3 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड तक का वीडियो जो है इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस पे, इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम ध्यान देंगे इंस्टाग्राम जो है वो कॉर्पोरेशन किसके अंडर में आता है, मेटा, यानी कि फेसबुक का है, और फेसबुक का जो नया नाम हो गया वो क्या है आपका मेटा नाम कर दिया, क्या कर दिया गया, मेटा। तो हम इंस्टाग्राम पे कितने मिनट का जो है कितने से देर का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 3 से 60 सेकंड तक का वीडियो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगला देखते हैं आउटलुक वर्ड फॉर ईमेल, बिल्कुल सही, जो आउटलुक होता है वो ईमेल के लिए ही बना है। व्हाट्सएप कैन नॉट बी एक्सेस बाय कंप्यूटर, बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगा पूरी तरह से आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट्सएप कैन नॉट बी एक्सेस बाय कंप्यूटर, व्हाट्सएप को कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, इसलिए फॉल्स है। ये देखिए हम व्हाट्सएप जो है किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू, ये व्हाट्सएप हम एक्सेस कर रहे हैं, ये जो व्हाट्सएप हम जो एक्सेस कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ आई एम मीन्स इंस्टेंट मैसेजिंग, बिल्कुल सही, आई एम का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग। आप ध्यान दीजिएगा जो इंस्टेंट मैसेजिंग है वो आपका व्हाट्सएप भी होता है, इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है, फेसबुक भी है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएंगे क्या उनसे हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज के ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे, यानी ये सभी क्या है आपके इंस्टेंट मैसेजिंग है। अगला प्रश्न है कैन एन ईमेल एड्रेस कंटेन द सेंडर्स एड्रेस, बिल क्या कह रहा है, कैन एन ईमेल एड्रेस कंटेन द सेंडर्स एड्रेस, नहीं, जब भी ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें सेंडर एड्रेस जो है हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है, उसमें ऑलरेडी क्या होता है ईमेल एड्रेस जो सेंडर एड्रेस है उसका होता ही है। अगला बन जाए डू स्पैम ईमेल गेट स्टोर्ड इन इनबॉक्स, जो भी स्पैम ईमेल्स होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है आपका इनबॉक्स में, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स है। अगला प्रश्न है फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम इज माइक ग्रीजर एंड केविन सिस्ट्रोम, बिल्कुल सही, इंस्टाग्राम के जो फाउंडर हैं वो कौन है, माइक ग्रीजर एंड केविन सिस्ट्रोम है, कौन है आपके, माइक ग्रीजर एंड केविन सिस्ट्रोम है आपके, किसके, इंस्टाग्राम के आपके फाउंडर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं इट इज सेफ टू क्लिक ऑन लिंक इन प्रमोशनल ईमेल्स ओपन अटैचमेंट एंड शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, फॉल्स हो जाएगा, क्या है ये सेफ नहीं होता, जो भी प्रमोशनल ईमेल्स होते हैं जो अटैचमेंट के साथ पर्सनल इंफॉर्मेशन उनको उन पर क्लिक करना क्या है सेफ नहीं कहलाता, इसलिए क्या हो जाएगा ये
फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन ओनली इंसर्ट इन द बॉडी ऑफ एन ईमेल, क्या इंसर्ट करा सकते हैं, कैन ओनली इंसर्ट केवल टेक्स्ट हम कर सकते हैं, यानी जो जो बॉडी एरिया वहां पे हम क्या इंसर्ट करा सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं बॉडी एरिया, ध्यान देखिएगा ये आपका ईमेल का जो पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं क्या बॉडी एरिया। ये जब कंपोज पे जब आप क्लिक करेंगे, जब भी आप कंपोज पे क्लिक करेंगे ये आता है बॉडी एरिया। ये आज सबसे पहले यहाँ पे दिखिए टू में क्या हो जाता है आपका आपका सेंडर आईडी हो जाती है, टू में क्या होता है आपका सेंडर आईडी आपकी हो जाती है जिसको भी आपको ईमेल भेजना। सब्जेक्ट में आप यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर ये आपका होता है बॉडी एरिया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें केवल हम क्या कर सकते हैं टेक्स्ट को जो इंसर्ट करा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन ईमेल, रिप्लाई ऑल, रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ऑल। तो इसमें जो फॉरवर्ड ऑल है ये ऑप्शन नहीं होता ईमेल में, देखिएगा जो फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन है वो ईमेल में नहीं होता। जैसे ये हमने कोई एक ईमेल अपने अपना ओपन किया, जैसे ध्यान से देखिएगा ये हमने कोई एक ईमेल अपना ओपन कर लेते हैं, कोई एक ईमेल जैसे ओपन कर लिया अपना, तो उसमें देखिएगा ये फॉरवर्ड रिप्लाई हो गया, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन जो है नहीं होता है। फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन क्या होता है, नहीं होता है, तो इसलिए फॉरवर्ड ऑल का इसमें से ऑप्शन नहीं होता है। अगला जो प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट रिलेटेड टू फेसबुक इज फेमस फॉर फोटो शेयरिंग। अब देखिएगा फोटो फोटो शेयरिंग के लिए कौन सी इसमें से वेबसाइट जो है फेसबुक से मतलब रिलेटेड है, तो कौन सी आपकी इंस्टाग्राम है। अभी हमने बताया जो इंस्टाग्राम है वो आपका फेसबुक से रिलेटेड है, और वर्तमान समय में फेसबुक का जो नया नाम है वो क्या है आपका मेटा नाम कर दिया, क्या कर दिया गया, मेटा नाम कर दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, जब ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर की बात की जाए किसका हो जाएगा, आउटलुक का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, आउटलुक का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माइम, माइम का जो पूरा नाम होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, बिल्कुल सही है, माइम पूरा नाम क्या था, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन ईमेल एड्रेस द सिंबल दैट इज यूज टू सेपरेट द यूजर नेम, किसका यूज किया जाता है, एट द रेट का यूज करते हैं, किसका, जब भी ईमेल एड्रेस कोई भी होता है उसमें क्या एट द रेट जो है, एट द रेट सिंबल क्या करता है, सेपरेट का कार्य करता है, यूजर नेम विद द आईएसपी एड्रेस, आईएसपी बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्वर, इनमें से एक ईमेल सर्वर नहीं है, तो कौन सा ईमेल सर्वर नहीं है, लिंक्डइन, लिंक्डइन आपका क्या नहीं है, ईमेल सर्वर नहीं है, लिंक्डइन क्या है, ईमेल सर्वर नहीं है, रेड ईमेल भी है, आउटलुक भी है, जीमेल भी है, याहू मेल भी है, हॉटमेल भी है, रेड लिंक्डइन ये आपका क्या है, ईमेल सर्वर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ईमेल सेंड, कब पहला ईमेल कब सेंड किया गया था, 1971 में, 1971 में। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज द फॉलोइंग इमोशन डिस्प्ले, ये जो इमोशन, ये जो इमोजी है ये सब लोग इसको देखते हैं, इस इमोजी को क्या बोलते कर रहा है, अमेज फेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमेज फेस, यानी कि अचानक, अरे ये हो गया, यानी कि इस फेस को जो बोलते हैं, इस इमोजी को क्या बोलते हैं, अमेज फेस बोलते हैं इसको। अगला है, ईमेल मैसेज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय, ईमेल मैसेज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इंक्रिप्शन, ईमेल मैसेज को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू, इंक्रिप्शन के थ्रू। अगला प्रश्न यहाँ पे, इंडिकेट कॉपीज ऑफ द मैसेज वाज सेंड टू एडिशनल पीपल, द रिसिपिएंट डज नॉट नो द मैसेज हैज बीन सेंड टू अदर इज कॉल्ड बीसीसी, बिल्कुल सही, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि जो है अगर हम आप उसी ईमेल को कई लोगों को भेजते हैं तो वो जान नहीं पाते हैं कि यह ईमेल अन्य किसको भेजा गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी बोला जाता है इसीलिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, SMTP is stand for, SMTP का पूरा नाम है क्या, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, which of these is the easiest way of the communication, सबसे आसान तरीका क्या है कम्युनिकेशन का, तो क्या है आपका ईमेल है, जिसमें कोई भी खर्चा नहीं लगता, ना ही आपका पेन का यूज होगा, ना ही कॉपी का, ना ही पेपर का, कुछ भी नहीं, केवल क्या लिखना है, केवल आपको टाइप करना है। आज के समय में, डिजिटल इंडिया के समय में, सभी के पास मोबाइल है और सभी के पास इंटरनेट है, सबसे पहुंच साधन है ईमेल। आईआरसी का जो पूरा नाम होता है इंटरनेट रिले चैट, क्या होता है आईआरसी का पूरा नाम, इंटरनेट रिले चैट होता है, क्या होता है आईआरसी का पूरा नाम, इंटरनेट रिले चैट होता है, ध्यान दीजिएगा, आईआरसी का पूरा नाम इंटरनेट रिले चैट होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे ध्यान से,
SMTP uses port 25, but SSL TLS encrypted SMTP uses port 465. ये भी ऑप्शन आपका क्या है, जो SMTP होता है, जो SMTP यूज पोर्ट होता है 25 यूजर करता है, SMTP जो है यूज पोर्ट करता है कितना 25, और SSL और जो TLS है इनकेप्टेड होता है SMTP के साथ में कितना पोर्ट यूज करता है 465. ये भी ऑप्शन क्या आपका पूरी तरह से ट्रू है. अगला देखिएगा IMAP SMTP का मतलब क्या था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल uses port 1433 but SSL TLS encrypted IMAP uses port 993. ये भी ऑप्शन क्या है आपका पूरी तरह से ट्रू है ऑप्शन आपका. अगला प्रश्न देखते हैं POP यानी कि POP uses port 110 but SSL TLS encrypted POP uses port 995. ये भी ऑप्शन आपका क्या है पूरी तरह से ट्रू है. अगला क्वेश्चन है MDA stand for mail delivery agent. बिल्कुल से MDA का पूरा नाम क्या था, mail delivery agent होता है. अगला प्रश्न देखते हैं ICMP protocol used to report error message. बिल्कुल से जो ICMP जो होता है उसका काम क्या होता है, report error message करने के लिए करता है वो. अगला क्वेश्चन यहाँ पे bounce emails always result in messages being sent back to the sender. बिल्कुल से जो बाउंस ईमेल्स होते हैं क्या कहते हैं, ऑलवेज रिजल्ट सोर्स कराते हैं मैसेज को सेंड बैक टू द सेंडर. ईमेल स्पैमिंग इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स व्हिच वन हैज नॉट आस्क्ड फॉर. जो ईमेल्स होते हैं, जो ईमेल स्पैमिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, ईमेल स्पैमिंग जो होती है एक्ट ऑफ सेंडिंग अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स होता है विच वन हैज नॉट आस्क फॉर. ये भी ऑप्शन क्या है आपका पूरी तरह से ट्रू है. जो ईमेल स्पैमिंग होती है वो क्या होती है, अनसॉलिसिटेड ईमेल्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा. अगला प्रश्न यहाँ पे लाइन इट इज सेम एज व्हाट्सएप अलाउज टू मीट फ्री कॉल्स एंड मैसेजेस. लाइन जो है क्या कैसा है, लाइन जो है एक प्रकार का क्या है आपका इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है. लाइन कैसा है आपका इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है. जो लाइन है यहाँ पे वो क्या है आपका इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है, जो लोग क्या करता है व्हाट्सएप की तरह अलाउज करता है लोगों से फ्री कॉल्स और मैसेजिंग के लिए. अगला क्वेश्चन IBIBO इज अ टेलनेट बेस्ड सोशल नेटवर्किंग साइट. इट अलाउज द यूजर टू प्रमोट वन सेल्फ एंड ऑल्सो डिस्कवर न्यू टैलेंट. अगला प्रश्न देखते हैं ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज यूजुअली ओवर इंटरनेट आर नेटवर्क. अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो पूछते चलिएगा. ईमेल्स इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज यूजुअली ओवर इंटरनेट आर नेटवर्क. ऑप्शन क्या है आपका ट्रू है. जो ईमेल होता है क्या होता है एक्सचेंजिंग मैथड होता है डिजिटली मैसेज में, जो भी आपका नेटवर्क होता है कहाँ पे इंटरनेट के थ्रू. द FTP प्रोटोकॉल इज द क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम यूज टू रिट्रीव द डॉक्यूमेंट. बिल्कुल सही. जो FTP होता है इसका पूरा नाम क्या था पहले, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. क्या होता है इसका पूरा नाम, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. कैसा है ये क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है जो क्या करता है डॉक्यूमेंट को रिट्रीव कराने का कार्य करता है. अगला ईमेल एड्रेसेस आर केस सेंसिटिव. जो ईमेल एड्रेसेस होते हैं आर केस सेंसिटिव, तो ये आपका क्या है फॉल्स हो जाएगा. ईमेल एड्रेस जो होते हैं केस सेंसिटिव नहीं होते हैं आपका. नेक्स्ट द टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज सेपरेटेड बाय @ सिंबल. बिल्कुल सही है. ईमेल में कितने पार्ट्स होते हैं, केवल टू पार्ट्स होते हैं. पहला क्या होता है आपका यूजर नेम होता है, सेकंड क्या होता है डोमेन नेम होता है, यूजर नेम एंड डोमेन नेम. और उसको सेपरेट किससे होता है, ये सिंबल के थ्रू, यानी कि @ सिंबल के थ्रू क्या होता है इसको सेपरेट किया जाता है. अगला प्रश्न है अवैलिड ईमेल एड्रेसेस. इसको बताएंगे कौन, बताएगा इसमें से वैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा है, कौन बताएगा इसमें से, बोलिए. महक तिवारी जी आप बोलिएगा इसमें अवैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा है. चलिए हम ही बता देते हैं वैलिड ईमेल एड्रेस इसमें से कौन सा है आपका. तो वैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा है, vrm@india.com. ये आपका क्या है वैलिड ईमेल एड्रेस है. कैसा है आपका वैलिड ईमेल एड्रेस है, ये ध्यान में रखिएगा. अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे द डोमेन नेम इन एन URL रेफर्स टू द. डोमेन नेम क्या करता है, डोमेन नेम
डोमेन नेम इन एन यू आर एल रेफर्स टू द, किसको रेफर्स करता है? सर्वर को करता है। किसको रेफर्स करता है? जो यू आर एल रेफर्स किसको करेगा? डोमेन नेम सर्वर को करेगा। अगला फैसला है यूटिलिटी ऑफ ई वॉलेट इज नॉट सेम एज टू, इसमें से यूटिलिटी ई वॉलेट की एक जो है यूटिलिटी नहीं है, किसके मतलब उसके नहीं है, क्रेडिट कार्ड किसकी तरह नहीं है, क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं है, बाकी सब कुछ हो सकता है। फॉर फ्रॉम व्हाट डेट ऑल बैंक्स हैव स्टार्टेड टू शेयर देयर एटीएम कॉस्ट फॉर द ट्रांजेक्शन, यानी बैंकों ने कब से जो है एटीएम से पैसा निकालने के लिए जो ट्रांजेक्शन शुरू किया है, कब से शुरू किया था? अप्रैल 1, 2009 से। कब से शुरू किया था? अप्रैल 1, 2009 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द 22 नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2009, किसमें हुआ था? 2019 में 22वां जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? मेघालय में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉस, पॉस का इसमें से एक नहीं उदाहरण है, यानी कि पॉस का मीन्स होता है क्या? POS का मतलब पॉइंट ऑफ सेल, क्या था? पॉइंट ऑफ सेल होता है। तो इसमें से क्या उदाहरण है? तो कौन सा नहीं है? रेस्टोरेंट पॉस नहीं है, यानी कि ATM पॉस है, टैबलेट बेस्ड पॉस, रिसेप्शन डेस्क पॉस है, रेस्टोरेंट क्या है? पॉस का वो एग्जाम्पल इसमें से टाइप नहीं है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पैम, इसमें से एक स्पैम है, कौन सा स्पैम है? जंक ईमेल, जो जंक ईमेल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है, जो जंक ईमेल होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पैम। अगला क्वेश्चन है, विच लाइन स्पीक अबाउट द कंटेंट ऑफ द मैसेज वाइल सेंडिंग ईमेल, कौन सी लाइन जो मैसेज जो है करती है, कौन सा करेगा? सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट क्या करती है? मैसेज के से रिलेटेड कंटेंट बताती है, जो भी कंटेंट हम लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट में जो है एक लाइन में थ्रू हेडिंग दे देते हैं कि ये हम किस चीज के बारे में ईमेल आपको भेज रहे हैं। फोन दैट ऑफर एडवांस फीचर नॉट टिपिकली फाउंड इन सेलुलर फोन्स एंड आर कार्ड, क्या होते हैं इसको बोलते हैं? स्मार्टफोन, क्या इसको कहेंगे? स्मार्टफोन कहेंगे, ठीक है। जो भी स्मार्टफोन क्या है, एडवांस फीचर नॉट टिपिकली फाउंड इन सेलुलर फोन, जो फीचर सेलुलर फोन में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, और जिन फोनों में एडवांस फीचर होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्मार्टफोन कहते हैं। अगला, हाउ मेनी फोटोज कैन बी अपलोडेड टू फेसबुक, एक साथ फेसबुक पे कितने फोटोज जो है हम शेयर कर सकते हैं, तो कितना इसमें कर सकते हैं? 30 कर सकते हैं, 20, 30, 25, 12, इसमें से कितना कर सकते हैं? 30 कर सकते हैं, और इससे भी अधिक भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग द सर्विस ऑफ पोस्ट सिस्टम, इसमें से ऐसा कौन सी सर्विस है जो मतलब पोस्ट सर्वर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो कौन सी रिक्वायर्ड नहीं है इसमें से? अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड नहीं, कौन सा? विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग द सर्विस ऑफ पोस्ट सिस्टम, यानी पॉइंट ऑन सेल के लिए कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है? अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, पिन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 देखिएगा आप लोगों जो बना के भेजा है, उसमें POS वाले हम सब देखे हैं रिक्वायर्ड में क्या क्या चीजें हैं। अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड आर कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूट फॉर, क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंस होता है किसका? बोथ कैश एंड चेक, जो क्रेडिट कार्ड से क्या हो, हम लोग जो है अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो और क्रेडिट कार्ड है तो हम क्रेडिट कार्ड से क्या कर सकते हैं? शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी खरीदारी कर सकते हैं, इसलिए वो कैश एंड चेक का कार्य करता है क्रेडिट कार्ड। अगला, GSTIN सर्विस इज द पार्ट ऑफ अदर सर्विस टैब यूजिंग नेट बैंकिंग, बिल्कुल सही, जो GSTIN होता है, जो GSTIN होता है वो क्या है? वो सर्विस है यूजिंग नेट बैंकिंग के थ्रू। अगला प्रश्न, विच ऑफ दीज डिवाइस इज यूज फॉर फास्टर डिस्पोजल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स इन द बैंकिंग सेक्टर, कौन सा है? MICR, कौन सा होता है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका यूज बैंकों में किया जाता है फॉर चेक रीड करने के लिए, यानी चेकों को रीड करने के लिए MICR का यूज किया जाता है, किसमें? बैंकिंग सेक्टर में। डिजी लॉकर कैन नॉट बी यूज टू, डिजी लॉकर क्या नहीं कर सकता है? तो डिजी लॉकर क्या नहीं कर सकता? डॉक्यूमेंट खरीद नहीं सकता, डॉक्यूमेंट खरीद नहीं कर सकता है, शेयर डॉक्यूमेंट कर सकता है, स्टोर डॉक्यूमेंट कर वेरीफाई कर सकता है, बट बाई डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता। अगला प्रश्न यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेब पोर्टल कैन यूजर्स क्रिएट देयर फ्री ईमेल अकाउंट, इनमें से किस पोर्टल पे यूजर्स क्या कर सकता है? अपना फ्री ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकता है, तो हॉटमेल पे भी कर सकता है, याहू पे भी कर सकता है, जीमेल पे भी कर सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ अब हो जाएगा, यानी इन सभी पे जो है ईमेल जो है फ्री में जो है क्रिएट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, इन द मैक्सिमम अमाउंट लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे इन UPI ऐप,
यूपीआई ऐप के थ्रू एक दिन में, यानी यूपीआई ऐप के थ्रू एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन अधिकतम हो सकता है, तो कितना आपका हो सकता है 20,000 हो सकता है एक दिन में, यूपीआई ऐप के थ्रू कितना हो सकता है 20,000 आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टैंडर्डाइज इनकोडिंग मोड इज नॉट यूजिंग बाई क्यूआर कोड। इसमें से कौन सा स्टैंडर्डाइज इनकोडिंग मोड नॉट यूजिंग बाई क्यूआर कोड के द्वारा जो यूज नहीं किया जाता, स्पेशल सिंबल कौन सा यूज नहीं किया जाता, स्पेशल सिंबल यूज नहीं किया जाता है क्यूआर कोड के थ्रू। अगला, इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव बैंक अकाउंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, कैन डिपॉजिट कैश एट द नेफ्ट इनेबल्ड ब्रांचेस, व्हाट मैक्सिमम अमाउंट कैन बी ट्रांसफर थ्रू नेफ्ट इन सच केस। यानी नेफ्ट के थ्रू जो है कितना पैसा अमाउंट में मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है, वो भी जिसका खुद का वहां पे बैंक अकाउंट नहीं है, तो कितना हो सकता है वहां पे 50,000, कितना कर किया जा सकता है 50,000 रुपीज जो है हम जो ट्रांसफर कर सकता है एक वह व्यक्ति जिसका बैंक अकाउंट नहीं है। अगला प्रश्न है, इन ईमेल वी नीड टू यू ए एस एंड टू पेस ऑफ एम टी एस वेन सेंडर इज कनेक्टेड टू द मेल सर्वर्स वाया लैन एंड वैन। जब जो है ईमेल, जब भी कोई ईमेल जो है यूएस और टू पेस ऑफ एम टी एस के थ्रू कनेक्ट होता है, सेंडर कनेक्ट हो तो मेल सर्वर, तो वहां पे जो मेल सर्वर होता है कौन सा होगा, लैन एंड वैन होगा, उसके थ्रू जो यूएस एंड एम टी एस को कनेक्ट किया जाएगा। अगला, व्हेन वाज उमंग ऐप लॉन्च, उमंग ऐप जो है कब लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था आपका, 23 नवंबर 2017 को उमंग ऐप लॉन्च किया गया। हु राइट्स द कंटेंट फॉर द ब्लॉग, ब्लॉग के लिए कंटेंट कौन लिखता है, कौन लिखता है भैया, ब्लॉगर लिखता है, जैसे कि बुक कौन लिखता है, तो राइटर बुक लिखता है, इसी प्रकार से ब्लॉग को कौन लिखता है, ब्लॉगर लिखता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइल वी कैन अटैच इन जीमेल, जीमेल में अधिकतम हम कितने जो है साइज की फाइल को अटैच कर सकते हैं, कितना 25 MB की, कितनी 25 MB की फाइल को हम जो है स्टैंड मतलब अटैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पीओएस स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल, जो पीओएस का जो पूरा नाम होता है, अभी जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं पीओएस, उसका पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, आप लोगों के पास चैप्टर 7 में दिया हुआ भी है, इसको आप लोग पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, इज देयर अ प्रोटोकॉल टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द सर्वर टू बी मेल बॉक्स, यानी इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है जिसको जो है डाउनलोड मतलब ईमेल डाउनलोड करने के काम आता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, POP3, क्या हो जाएगा, POP3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है 2FA, क्या अगला, 2FA स्टैंड फॉर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी जो 2FA है इसका जो पूरा नाम क्या है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जो पूरी तरह से क्या है आपका ट्रू है, जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA का पूरा नाम क्या है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेस इज यूज बाय SMTF, SMTF यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू किस प्रकार के मैसेज जो है सेंड किए जा सकते हैं, तो फ्रॉम द यूजर्स टर्मिनल एंड यूजर्स मेल बॉक्स बोथ, यानी SMTF के थ्रू जो है थ्रू दोनों प्रकार के मैसेज सेंड किए जा सकते हैं, यूजर्स टर्मिनल एंड यूजर्स मेल बॉक्स बोथ। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अवेल द यूएसएसडी सर्विस, यूएसएसडी जब सर्विस की जब बात करेंगे तो मोबाइल बैंकिंग की बात आ जाती है, यानी बिना इंटरनेट कनेक्शन के जो है आप अपने अकाउंट मतलब जो है इंटरनेट बैंकिंग को जारी रख सकते हैं मोबाइल में, यानी कि *99# के थ्रू, *99# के थ्रू ये आपका क्या होता है, यूएसएसडी सर्विस प्रोवाइड करा था। अगला प्रश्न है, वेयर इज द मेन कंटेंट इन ईमेल, ईमेल में मेन कंटेंट कहाँ होता है, तो कहाँ होता है भैया, बॉडी में होता है, बॉडी सेक्शन में आपका जो है मेन कंटेंट लिखा जाता है, ये आपका क्या है, बॉडी सेक्शन है, जहाँ पे ये सब लिखा जाएगा, ये आपका बॉडी सेक्शन होता है, जहाँ पे जो है कुछ भी ये लिखा जाता है, मेन कंटेंट यहाँ पे लिखा जाता है, ये आपका क्या है, बॉडी सेक्शन होता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट द यूजर आईडी एंड डोमेन नेम ऑफ द ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में किसके थ्रू सेपरेट सेपरेशन का कार्य कौन करता है, एट द रेट जो सिंबल है ये क्या करता है, सेपरेशन का कार्य करता है यूजर आईडी एंड डोमेन नेम के बीच में। B2B स्टैंड फॉर क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, बिल्कुल सही, जो B2B होता है क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है इसका पूरा नाम। अगला, कैन अ मैसेज बी सेंड विदाउट राइटिंग द सब्जेक्ट,
हम जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं बिना सब्जेक्ट के, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर हम ये मैसेज का जो पार्ट्स है, जो सब्जेक्ट्स का जो पार्ट्स है, अगर हम यहाँ पे कुछ ना भी लिखें तब भी जो है क्या हो जाएगा, आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। ये जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है इसको अगर हम कुछ यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं तब भी ये क्या हो जाएगा, आपका सेंड हो जाएगा आपका मैसेज। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल। ईमेल का इसमें से पार्ट नहीं है, तो कौन सा ईमेल का पार्ट नहीं है, ध्यान से देखिएगा। स्पेस नहीं होता, एट द रेट सिंबल भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज करते हैं, बट स्पेस हम ईमेल के बीच में नहीं लगाते हैं। SMTP डज द प्रोटोकॉल फैसिलिटीज ईमेल बिटवीन डिफरेंट होस्ट सर्विसेज, पूरी तरह से ऑप्शन क्या है आपका, ट्रू है। जो SMTP होता है, प्रोटोकॉल फैसिलिटीज ईमेल बिटवीन जो होस्ट और ईमेल के बीच में जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। डज ई गवर्नेंस प्रोसेस चेंज, ई गवर्नेंस क्या होता है, प्रोसेस चेंज करता है, किस प्रकार का, आपका ट्रांसपेरेंसी भी होता है, इफिशियंसी भी होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है, ऑल ऑफ दीज, यानी जो ई गवर्नेंस होता है इस प्रकार के प्रोसेसेस को क्या करता है, चेंज करता है, ट्रांसपेरेंसी इफिशियंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, द पर्पस ऑफ उमंग ऐप इज, उमंग ऐप का प्रोसेस क्या है, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, क्या होता है, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, जो उमंग ऐप का जो प्रोसेस है क्या है आपका, फर्स्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हाउ मैनी लैंग्वेज डज उमंग ऐप सपोर्ट, कितना होता है, 13 लैंग्वेज। उमंग ऐप कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, तो 13 लैंग्वेज को उमंग ऐप क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, उमंग ऐप मेक द फॉलोइंग सर्विसेज एक्सेसिबल, जो उमंग ऐप है इसमें से कौन कौन सी सर्विसेज को एक्सेसिबल करता है, तो ध्यान से देखिए, इनकम टैक्स फिलिंग को भी करता है, सॉल्विंग आधार एंड PF फाइंड रिक्वायरीज को भी करता है, बुकिंग द गैस सिलेंडर को भी करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस इज, ईमेल एड्रेस का जो पहला पार्ट होता है क्या उसको बोलते हैं, यूजर नेम, क्या उसको बोलते हैं, यूजर नेम बोलते हैं, फिर एट द रेट सिंबल आता है, और लास्ट में क्या होता है, डोमेन नेम, जिसमें डॉट कॉम लगाते हैं या डॉट के बाद जो कॉम जो भी लगाते हैं, .in, .com, .org, वो आपका क्या होता है, डोमेन नेम आपका कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, इसमें से याहू मेल है, जी मेल है, रेडिम मेल है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी जो है ये सभी क्या कराते हैं, फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं ये सभी, इनके लिए कोई चार्जेस नहीं पड़ता ईमेल यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ द इंटरनेट, सबसे अधिक जो है वायरल सेक्शन कौन सा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट का जो सबसे मोस्ट वायरल सेक्शन होता है क्या है आपका, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आज के समय में एक एक बच्चा क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ा है, कोई यूट्यूब से, कोई आपका फेसबुक से जुड़ा है, तो कोई आपका इंस्टाग्राम से जुड़ा है, तो कोई आपका वह टेलीग्राम से, तो कोई आपका व्हाट्सएप से जुड़ा है, यानी कहीं ना कहीं से कोई जुड़ा हुआ है। अगला, द कलेक्शन ऑन द ब्लॉग इज, कलेक्शन ऑफ ब्लॉग इज क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ ब्लॉग इज क्या, कलेक्शन ऑफ योर प्रीवियस पोस्ट, जो ब्लॉग का कलेक्शन कहलाता है क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ योर प्रीवियस पोस्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर गवर्नेंस, कंप्यूटर का गवर्नेंस के लिए क्या कार्य होता है, ई गवर्नेंस, क्या होता है, जो कंप्यूटर गवर्नेंस में यूज की जाते हैं उनको क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस, उन्हें क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, IMPS का पूरा नाम क्या है, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS का जो पूरा नाम है क्या है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ये आपकी जो सर्विस है 24x7 days आपकी चालू रहती है, कितनी चालू रहती है, 24x7 days आपकी चालू रहती है IMPS सर्विस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फोल्डर हैज टू बी ओपन टू रिट्रीव डिलीटेड मेल, तो कौन सा हो जाता है, ट्रैश फोल्डर का, कौन सा होगा इसमें से, ट्रैश फोल्डर, हाँ ट्रैश फोल्डर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इसका मतलब कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं, ठीक है, तो अपने आप बताया करिए तो सही भी लगेगा, फॉर विच वर्डप्रेस एक्सप्रेशन इंजन एंड टाइप पैड कैन बी यूज, किसके लिए हम इस चीज सब चीज किसके लिए यूज करते हैं, वर्डप्रेस होगा, एक्सप्रेशन इंजन है, एंड टाइप पैड कैन बी यूज, ये इन तीनों का यूज हम किसके लिए करते हैं, इसमें बताइएगा, वर्ड प्रोसेसिंग, ब्लॉगिंग, वन ऑफ दीज, वर्ड प्रोसेसिंग, हाँ ये नहीं, ये वर्ड वर्डप्रेस हो गया, एक्सप्रेशन इंजन हो गया, और टाइप पैड,
इसका यूज हम किस मतलब इनमें से किसके लिए करते हैं? ब्लॉगिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉगिंग करते हैं। ध्यान में दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मेल सेंड बाय यू इज शोन इन अ फोल्डर कार्ड सेंड। बिल्कुल सही है, जब भी हम मेल किसी को तो सेंड करते हैं, देखिएगा अभी हम आपको दिखाते हैं, जब हम मेल किसी को सेंड करते हैं तो मेल जो है हमारा सेंड फोल्डर में आता है, ठीक है। जिसको भी हम मेल जैसे करते हैं, देखिएगा ये सारा यहाँ पे सेंड फोल्डर में आता है। सेंड फोल्डर, इन लोगों को हमने क्या किया, मेल आपका किया है। अगला क्वेश्चन है, द कंज्यूमर एक्सचेंज सर्विस अमंग देमसेल्फ व्हाट इज कॉल्ड। इसमें जो कंज्यूमर एक्सचेंज सर्विसेज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सी टू सी बिल्कुल सही, सी टू सी कहा जाता है, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो सर्विसेज होती है उनको सी टू ओके सी कहा जाता है। जैसे आपके पास एक मोबाइल फोन है, आप उसे बेचना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया, अब आप उस फोन को अब हमें बेचना चाह रहे हैं, तो सी टू सी कहलाएगा। ये सी डब्ल्यू आर स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस वेव रडार। बिल्कुल सही, जो सी डब्ल्यू आर का जो पूरा नाम होता है क्या था, कंटिन्यूअस वेव रडार आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ पीपल कैन यू फाइंड ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट। किस प्रकार के जो ऑल ऑफ है, द अबव। बिल्कुल सही, पॉलिटिशियन भी होते हैं, म्यूजिशियन भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इस इतने मतलब जितने भी टाइप्स के पीपल सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े होते हैं वो सभी जो है आपको वहां पे मिलते हैं। करा इफ यू हैव अ पावर पॉइंट शो दैट यू वॉन्ट टू सेंड वाया ईमेल टू समवन एल्स, हाउ वुड यू एड अ पावर पॉइंट शो टू योर ईमेल मैसेज। कैसे ही आपके पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट शोज है, उसे आप दूसरे को भेजना चाह रहे हैं ईमेल के थ्रू, तो कैसे ईमेल के थ्रू भेजेंगे, बताइएगा इसमें से। सर सर रिप्लाई नहीं सर, 1 मिनट रुके, 1 मिनट, रिप्लाई, रिप्लाई, अटैचमेंट बिल्कुल सही, रिप्लाई हो जाए शो टू योर ईमेल होगा मैसेज। हाँ रिप्लाई हो जाएगा। इफ यू हैव पावर पॉइंट शो दैट यू सर। वांट टू रिप्लाई सेंड का बाय मतलब जो ईमेल हमें टू, कोई मैसेज सेंड करेगा तो हम का रिप्लाई देंगे ना जी 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 उसमें। जी जी अच्छा जी 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 रिप्लाई में ही जाएगा, एक रिप्लाई में ही जाएगा यहाँ पे। इफ यू हैव अ पावर पॉइंट शो दैट यू वांट टू सेंड वाया ईमेल टू समवन एल्स, हाउ वुड यू ऐड अ पावर पॉइंट शो टू योर ईमेल मैसेज। कैसे करेंगे, तो अटैचमेंट ऑप्शन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे हम, अटैचमेंट ऑप्शन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे हम, अटैचमेंट अटैचमेंट, ऑप्शन का यूज करेंगे हम। यस सर, ध्यान में रखिएगा, किसका यूज करेंगे अटैचमेंट, हम, अटैचमेंट ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है, अटैचमेंट ऑप्शन का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप, उमंग स्टैंड फॉर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो बिल्कुल सही, जो उमंग का जो पूरा नाम है क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल लोन इज नॉट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मनी और बिजनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, तो पूरी तरह ट्रू से फॉल्स हो रहा है। जो पर्सनल लोन होता है वो मनी के बेसिस पे या बिजनेस के बेसिस पर नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड सर, आपने बोला कि वो जो पर्सनल लोन है वो मनी के बेसिस पे नहीं दिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स? तो फॉल्स होगा, फॉल्स सही है। ये मतलब जो देखा जाता है इसमें बिजनेस और मनी देखिए, जो भी बेसिस। पर्सनल लोन होता है, ठीक है, इज नॉट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मनी आर बिजनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी तो वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखा जा, सिक्योरिटी को व्यक्तिगत, देख के दिया जाता सुनिए है ना, हाँ, आप तो क्या सिक्योरिटी में यहाँ दे पर रहे ये हैं? भी लिखा ना, व्यक्तिगत तौर पे नहीं देखा जाता है ना, यस सर, आपके पास व्यक्तिगत तौर पे नहीं देखी जाती ना ये चीज। ओके सर। Which of the following file types cannot be sent by email? इसमें से किस प्रकार की फाइल को जो हम ईमेल में सेंड नहीं कर सकते हैं? 0.7Z नहीं, .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होती हैं उनको हम सेंड नहीं कर सकते, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को हम सेंड नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द ईमेल सेंड बाय यू यू स्टोर्ड। जब भी हम ईमेल को सेंड करते हैं वो स्टोर्ड कहाँ होता है, कहाँ होता है, आउटबॉक्स में, कहाँ स्टोर्ड होता है, आउटबॉक्स, आउटबॉक्स में स्टोर्ड आउटबॉक्स होता है। अगला क्वेश्चन, यस कैन आई यूज मोर देन वन हैशटैग इन ट्वीट, यस नो सर, नो सर, कैन आई यूज मोर देन वन हैशटैग इन ट्वीट कर सकते हैं, ट्वीट में जो है हम एक से अधिक जो है हैशटैग यूज कर सकते हैं, एक से अधिक हैशटैग यूज कर सकते हैं। देखिएगा,
पॉल बचर्ड इज द फाउंडर ऑफ जीमेल, जो जीमेल के जो फाउंडर है वो कौन है, पॉल बचर्ड है क्या, ये भी आपका क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जो पॉल बचर्ड है क्या है, वो जीमेल के फाउंडर है। अगला प्रश्न है, वेयर इज द फोटो ऑफ योर फ्रेंड विजिबल ऑन फेसबुक इज कॉल्ड, यानी आपके मित्रों के जो फोटोज होते हैं फेसबुक पे वो कहाँ पे शो होते हैं, सर टाइमलाइन। न्यूज फीड पे शो होते हैं, कहाँ पे शो होते हैं, न्यूज फीड पे, अच्छा ओके न्यूज फीड पे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द सिंबल फॉर ट्रेंडिंग इन ट्विटर, ट्विटर पर जब भी कुछ हैशटैग। ट्रेंड होता है हैशटैग का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता हैशटैग का। अगला प्रश्न देखते हैं, देर आर टू एग्जाम्पल ऑफ फ्री वेयर, इसमें से फ्री वेयर के कोई एग्जाम्पल है, देखिएगा ध्यान से बताइए कौन सा हो जाएगा, जो फ्री वेयर एग्जाम्पल है इसमें से। शेयर इंस्टेंट मैसेंजर एंड गूगल टूल बार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेंजर एंड गूगल टूल बार, ये आपके क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फ्री वेयर के, बाकी सारे कैसे हैं, आपके पेड सॉफ्टवेयर है। तो ये 100 क्वेश्चन इसमें से समाप्त होते हैं, चलिए देख लेते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और कल हम जो है आप सभी को जो है चैप्टर नंबर 8 का जो है टेस्ट करवाएंगे, और उसकी भी क्लास कल 12 बजे लगेगी, नहीं कल 12:30 पे क्लास होगी जहां तक है, ठीक है, ओके कल सर, उसकी क्लास 12:30, क्योंकि कल एग्जाम में ड्यूटी लगी तो इसलिए कल 12:30 पे क्लास होगी, मतलब ध्यान रहिएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके, फिर आज के लिए गुड डे, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। यस सर।